हेलो स्वाति। हाँ अमित, बोलो क्या बात है। अच्छा अरे मैं ये कह रहा था, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे यार। चलो कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। बताओ कहाँ मिलोगे। एक बार यहाँ जाओ कुएं पे। ठीक चलो मैं आ रही हूँ, आप थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ है तुम आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आ रही हो ना? यार स्वाति कहाँ रह जाती हो यार तुम? पता है मैं कितनी देर से वेट कर रहा था तुम्हारा। यार, घर से निकलने में टाइम तो लगता ही है ना, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो यार। अब तो आ गई ना, चलो। चलो एक मिनट रुक जाओ, मेरा दोस्त आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हम घूमने जा रहे हैं ना, उसका क्या काम है। अरे मुझे कुछ काम है, बस 2 मिनट का काम है, फिर चलते हैं। लो ये आ गया। हाँ भाई, क्या काम है? क्यों बुलाया होता है ना मुझे? अरे तुम एक मिनट रुको भाई, तू साइड में हाँ बता, क्या बात है? भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ना घुमाने ले जा रहा हूँ, और मेरी जेब में पैसे हैं नहीं। अगर तुझ पे कुछ पैसे पड़े हो तो दे दे यार। ले 2500 रुपया। कोटक में ना, कोटक में। हाँ ले जा, पच्चीस इसे भी सौ दे दे यार, इसे काहे को रख रहा है। ले 10 तो छोड़ दे। चल ठीक है, चल ठीक है यार भाई। ठीक है तो अच्छा तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे जो अपने दोस्त से मांगे अपने। अरे यार मैं पैसे घर भूल गया था, इसलिए दोस्त से मांगने पड़ गए। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अब पैसे आ तो गए, चल लें। मैं तो हूँ, मैं दे देती पैसे। यार एक बात बताओ, मैं तुमसे पैसे लूंगा? तुम कौन सा कमाने जाती हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा आज आप खाओगे जो आपको पसंद है, पैसे मैं दूंगी। यार तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे पैसे कुछ नहीं खाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तुम इतनी जिद कर रही हो ना, तो चलो। अच्छा चलो। चले मेरे शौक भी ना बटे और मांग भी से थोड़ी, मैं उठी उठी हंडू लदे थोड़ी अक जोड़ी। मेरे शौक भी ना बटे और मांग भी से थोड़ी, मैं उठी उठी हंडू लदे थोड़ी अक जोड़ी। नदी पार टी बदल हमरे वदन संग, बस मेरे कन्हैया हंसते कटे जागी जिंदगी पिया अपने मिलाए नए चोट रखिए। जुए हंसते हंसते कटे जागी जिंदगी पिया अपने मिलाए नए चोट रखिए। अरे बेटा अमित। हाँ पिताजी। एक बात बता, तू कल कहाँ था? पिताजी मैं तो यहीं था, पिछली गली में। अच्छा बेटा झूठ मत बोल, मैं तेरा बाप हूँ, सब जानता हूँ। पिताजी मैं कहीं ना गया, यही था। चल कोई बात ना, अब तेरी जॉब तो लगी गई, कोई अच्छी सी लड़की देख के तेरी शादी कर लेते हैं। क्यों पिताजी, अभी शादी क्यों कर रहे हो? अरे बेटा अब तेरी उम्र हो गई शादी लायक। पिताजी मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। तेरी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं चाहूंगा, और आगे मुझे एक भी शब्द नहीं सुनना। मुझे मैंने इसीलिए पाल पोष के बड़ा किया था। पिताजी मेरी बात को समझो, वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तुम शादी कर लेने दो, वो तुम्हारी बहुत सेवा करेगी। चल एक बात बता, वो शादी करने को तैयार तो है? हाँ पिताजी, वो तो लड़की तैयार है, पर उसके घर वालों से बात करनी पड़ेगी। चल ठीक है, बात कर लेंगे, और जहाँ तुम खुश है बेटा मैं भी वहीं खुश हूँ।
स्वाति तुम एक बात बताओ, तुम मुझसे खुश तो हो ना? हाँ मैं खुश हूँ, पर आज तुम कैसे बात कर रहे हो? सिर्फ खुश हो? हाँ खुश हूँ। अरे पागल, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें क्या लगता है? मैं तुझे एक सरप्राइज बताऊँ? क्या क्या बताओ बताओ, क्या सरप्राइज है? अरे बता दूंगा यार। बताओ ना अमित, नहीं तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, जल्दी बताओ। देख तुझे मेरी कसम है, तुम मुझसे अभी मत पूछ, चाहे तुम मुझसे कल पूछ लियो, मैं तुझे कल बता दूंगा। कल क्यों, मुझे आज ही बताओ, मुझे बेचैनी हो रही है सुनने के लिए, अब बताओ जल्दी से। यार मैं बता दूंगा, यार मैं बता दूंगा, पर तुम मुझसे अभी मत पूछ, मैं तुझे कल बता दूंगा। चलो ठीक है, कल पक्का बता देना। ठीक है, मैं कल पक्का बता दूंगा। खुश तो हो? अरे बेटा कहाँ था तू? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। पिताजी मैं अपने दोस्त के घर गया था, मुझे थोड़ा सा कुछ काम था उससे। अच्छा बेटा मेरी बात सुन, मैंने खाना बना दिया, तू खाना खा ले। पिताजी अभी मेरा मन ना कर रहा खाना खाने का, मेरा जब मन करेगा मैं जब खा लूंगा। अच्छा एक बात बता, तूने करी उस लड़की से बात? अभी तो मैंने पिताजी उससे करी ना बात, मैं कल बता दूंगा, अगर वो तैयार हो गई ना फिर तुम उसके घर रिश्ता लेकर चले जाना। बात करने तो मैं चला जाऊंगा, पर तू पहले उस लड़की से बात तो कर ले। पिताजी तुम टेंशन मत लो, मैं कल उससे जरूर बात कर लूंगा। बेटा अब मेरे बस की ज्यादा टाइम खाना बनाना नहीं है, तू जल्दी से अपने लिए बहू लिया। पिताजी मैं बात कर तो रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करवा दूंगा, बहुत ज्यादा है। बेटा आजकल के टाइम में कोई किसी की सेवा ना करवाता, बहू के आते सब बहू के गुलाम हो जावे। पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो, उसे एक बार आ जाने तो दो, वो तुम्हारी बहुत सेवा करेगी। चल बेटा देखते हैं सेवा करवाएगा या क्या करवाएगा, देख लेना पिताजी, ये अमित अमित ही है। चल बेटा बढ़िया बात है। श्री राम। लड़कियों की तरह क्यों मुंह खुला रखा है, बताओ ना क्या बात हुई? कुछ भी बात नहीं हुई यार, तुम एक बात बताओ, तुम मेरे साथ हमेशा दोगी ना? बिल्कुल हमेशा दूंगी, मरते दम तक दूंगी, ये भी कोई बात पूछने वाली है क्या? चलो ठीक है अब मैं खुश हूँ। अच्छा तुमने मेरा सरप्राइज नहीं बताया, अब बताओ क्या था सरप्राइज? अरे मैं बता दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे बताओ ना। अच्छा ऐसा करो अपनी आंखें बंद करो। चलो मैं तुम्हें आगे चल के बताता हूँ। सुनो तुम्हारा सरप्राइज ये है। बताओ बताओ। तो तुम्हारा सरप्राइज ये है, हमारी शादी के लिए मैंने घर पे बात भी कर ली है और पापा मान भी गए हैं, अब तुम जाके जल्दी अपने घर पे बात करो। शादी? हाँ हाँ। एक बात बताओ अमित, तुमने मेरे से एक बार पूछा? अरे पागल इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, अरे हम प्यार करते हैं तो शादी भी तो करेंगे। अमित तुम पागल हो क्या, ये क्या है शादी एक घर वालों से बात करना, प्यार एक अलग चीज है। और सुनो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। स्वाति तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? अमित मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, वो भी लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं। प्यार का तूने अपने घर वालों से पूछ कर करा था, बता मुझे। सॉरी अमित मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे घर वाले हाँ बोलेंगे, मैं नहीं शादी करूंगी। हाँ हम दोस्त बन सकते हैं। अरे एक बात बताओ मेरे अंदर क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है यार, बताओ तो सही, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अमित आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। ठीक है कभी आना भी मत, लेकिन एक बात याद रखना, प्यार करने से पहले अपने घर वालों से पूछ लेना कि मैं प्यार करूं या ना करूं, जो तुमने मेरे साथ किया है ना बहुत गलत करा है। यार एक बार अपने घर पे बात करके तो देख। अमित मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। स्वाति जब तुझे शादी नहीं करनी थी तो तूने क्यों पागल बनाया मेरा? अमित अब हमें नहीं मिलना चाहिए,
अच्छा यही होगा, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें, तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी। ठीक है, पर जाते जाते मेरी एक बात सुनती जाओ। जिस इंसान को मैं अपने दिल से निकाल देता हूँ ना, फिर उसे मैं वापसी नहीं लाता। कोई बात नहीं, तूने मेरा दिल तोड़ा ना, एक दिन तू बहुत पछताएगी। अरे अमित, कैसे उदास बैठा हो और ऑफिस ना गया दिखे आज? हाँ यार, 2 दिन की छुट्टी ले रखी है, मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। अरे यार अमित, छोड़ ना उसको, जब वो तुझे नहीं चाहती तो छोड़ पड़े को उसे। और वैसे भी तू अपने कैरियर पर ध्यान दे, ऐसी तो जन कितनी आती हैं कितनी जाती हैं, भाई अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे। भाई ये चोट ना यहाँ लगी है, यहाँ कुछ दिन तो लगेंगे इसे भूलने में, मैं कुछ दिन में उसे भुला दूंगा। तू यहाँ उदास बैठा रहे, वहाँ तेरे पिताजी तुझे देख कर रोते रोते रहे, भूल जा ना उसे। भाई वो मुझे ऐसी लत लग गई है ना, जब भी मेरा कोई फोन आता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका ही फोन आ गया। अरे अनजान है वो बेवफा, जिसने तेरे प्यार की कदर ना जानी। और तू दिक्कत मत ले, एक दिन ठोकर लगेगी वापिस यहीं आएगी। और हाँ अमित, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अपने पिताजी से जाकर बोल दे नहीं करनी मुझे उससे शादी, वो अपनी पसंद से करवाए। आओ। तुम ठीक कह रहे हो भाई। पिताजी तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे हंसी अच्छी लगती है, मैं नहीं चाहता मेरे पिताजी रोए। ये तूने क्या हालत बना रखी है, अरे उसने तुझे धोखा ही तो दिया। पिताजी जहाँ आप कहोगे ना मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिस लड़के से आप शादी करने के लिए कहोगे ना मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चल ठीक है, तू आराम कर ले, मैं कल तेरे रिश्ते की बात करने जाऊंगा। ठीक है, पर पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत रहो। ना बेटा, मैं परेशान ना होने का हूँ, तू बेफिक्र रह। गोरी मेरे साथ यही हुआ सब कुछ, मैं अंदर से टूट गया क्योंकि मैंने बहुत प्यार करा था उससे। चलो अमित, तुमने सही करा, मुझे शादी से पहले सब कुछ बता दिया। अगर मुझे ये बात तुम शादी के बाद बताते तो मुझे बहुत दुख होता। एक बात बताओ अमित, अगर वो लड़की दोबारा तुम्हारी लाइफ में आ जाए तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? गोरी मैं तुमसे एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ बोलो। गोरी मुझे सोचने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए। कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मेरी यार कितनी देर होगी, भाभी तो अब तक आई ना? अरे आने वाली होगी यार, तुझे अभी ना सबर नहीं हो रहा, तुझे पता ना तेरी भाभी कितनी अच्छी है। हाँ बुरो तो मैं हूँ, आधा घंटा हो गया यहाँ बैठे बैठे, भाभी तो अब तक आई ना। ओ अमित भैया, ये आ गई भाभी। लो ये आ गई तुम्हारी भाभी, बैठ जाओ। राम राम। राम राम जी। बैठ जाओ ना। कहाँ रह गई थी तुम? वो मैं रस्ते में रह गई थी यार। गोरी ये है मेरा दोस्त, इसका नाम राजेश है। भाभी आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। राजेश भाई तुम ऐसे करो, अपनी भाभी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ठीक है भाई अभी ला रहा हूँ। गोरी तुझे पता है मैं तुझसे मिलने के लिए कितना बेताब था? बहुत देर से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। तुमसे सबर नहीं हो रहा था, मैं आ तो रही थी। तू सबर की बात कर रही है, तुझे पता है मैं अपना दिल कैसे थाम के बैठा हूँ। और हाँ सुन, कल ना मैं तुझसे अकेला आऊंगा मिलने, आखिर हम मियाँ बीवी हैं। अमित हम शादी के बाद भी ऐसे मिला करेंगे, ऐसे प्रेमियों की तरह मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता। पता नहीं गोरी हमारी शादी में अभी कितना टाइम लगेगा। अमित मैं इतना वेट नहीं कर सकती। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन का वेट कर लो, बस मैंने तुमसे थोड़ी सी मोहलत मांगी है ना।
अच्छा ठीक है, अब चलें। हाँ यार वो चली गई, तू लेट ही इतना आया है। यार मैं गया दुकान पे, कुछ मिला ही ना। चल भाई तू ऐसा कर, तू घर चला जा, मुझे कुछ काम है, मैं वो कर आऊं। ठीक है भाई। राजेश कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। आप बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा? मेरी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है। अरे राजेश अभी तक तू यहीं पे, तू गया नहीं? और अमित कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ आप अच्छे हो? राजेश भाई मैं तो चलता हूँ, तू भी जल्दी आ जा। ठीक है। स्वाति मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप अमित को छोड़कर खुश हो? राजेश जैसा मैंने अमित के साथ किया वही मेरे साथ हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अमित को छोड़ने के बाद एक लड़के से प्यार किया, उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, तब मुझे पता चला जब किसी का दिल टूटता है ना तो बड़ा दुख होता है। मैंने अमित के साथ बहुत गलत किया। आखिर उस लड़के ने शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया? तुम ये सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, क्या मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ अगर मेरे हाथ में होगा तो जरूर करूँगा। क्या तुम मेरी लाइफ में अमित को वापस ला सकते हो? प्लीज मना मत करना, मैं उसे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। अमित भाई तू यहाँ कैसे बैठा? कुछ नहीं भाई, घर पे मन नहीं लग रहा था, मैं सोचा यहाँ बैठ जाता हूँ। तुम कहाँ रह गए थे इतनी देर से? मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रहा था। कुछ नहीं यार, वो स्वाति मिल गई थी ना, वही टाइम लग गया। पर हाँ तू एक बात बता, अगर तुझे अपना पुराना प्यार मिलगा तो तू क्या उसे अपना लेगा? यार ऐसा थोड़ी ना है, जिस लड़की से मेरे पिताजी ने शादी तय करवाई है अब उसके लिए उसे धोखा दूं? यार ऐसा नहीं कर सकता मैं, उसके लिए मैं अपनी बहू को छोड़ूं? अब मैंने प्यार उससे कराना था, मैं शादी भी उससे करूंगा। जो लड़की मुझसे प्यार करती है ना मैं उससे शादी करूंगा। अब उस धोखेबाज से शादी करके क्या फायदा, वो फिर छोड़ कर चली जाएगी। जो लड़की एक बार धोखा दे सकती है ना वो कभी भी दे सकती है। ठीक कह रहा हो भाई तू, बेवफा बेवफाई होती है। आ अरे अमित। हाँ कहाँ जा रहा सुबह सुबह? कहीं नहीं यार। अरे पीछे के गिफ्ट से छुपा रहा? अरे कुछ नहीं है यार। हमें बता दो किसी दिन जा रहे हो गिफ्ट? अरे यार अच्छा खासा स्कूल में पढ़ने वाला बालक और लड़की के चक्कर में पड़ रहा। क्यों लड़की के चक्कर में पड़ना बुरी बात है? तुम भी तो मेरे चक्कर में हो। क्या? अरे तू चुप ही रह ले, मैं तो इसकी गैल मजे ले रहा। ओ भाई तुम लड़ो मत, मैं जल्दी में हूँ, हम बाद में मिलेंगे ठीक है? अरे तू क्यों नाराज हो रही है, तू तो मेरी जान है। अच्छा दिमाग खराब मत करो, चलो जल्दी चल। यार पता नहीं कहाँ रह गए, इतना टाइम हो गया। पता नहीं कहाँ रह गया, हर बार की तरह लेट हो जाता है, कभी टाइम से आता ही नहीं है। फिर से लेट? तुमने क्या कसम खा रखी है क्या लेट होने की? अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? और ये क्या फिर से गिफ्ट? अरे मैं तो तुम्हारे लिए इतने मन से गिफ्ट लेकर आया था, अमेज़न से मंगाया मैंने तुम्हारे लिए, खोल कर तो देखो एक बार। भगवान ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इसकी क्या जरूरत थी? पर मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम इसे क्यों लेके आए हो। लेट हो गए और सजा से बचना चाहते हो? अरे यार दे लो सजा,
तुमसे अच्छा थोड़ी ना मेरे लिए कुछ भी। अच्छा छोड़ो, तुम लेट कैसे हो गए? यार मैं गिफ्ट ले रहा था तो गिफ्ट पैक कराने के चक्कर में ना मैं लेट हो गया, पर यार सॉरी तुम्हें मेरी वजह से इतनी देर यहाँ खड़ा रहना पड़ा। अच्छा सुनो, आई लव यू। लव यू टू यार, चलें। ओ तेरा रूसना मनाना मेरा टाइम पे नयाना तेरा देना वो बुलाना मन अच्छा लागे से रे तू जाया करती रूट मैं भी बोला करता झूठ रे वो झूठा मूठा प्यार गाना अच्छा लागे से रे। अरे अमित, तुम आ गए? आप बैठो। क्यों बुलाया है यहाँ पे? वो यार जल्दी में बुला लिया था। चलो ऐसा करते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और बातें करेंगे। अमित, बात तो मुझे भी करनी थी, क्या यहीं करें? बताओ क्या बात करनी? अमित यार, तुम्हें तो पता है मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। हाँ तो करा लो, कोई दिक्कत है क्या? पर कॉलेज एडमिशन के लिए फीस चाहिए। तो फीस दे दो और करा लो एडमिशन। तुम्हें पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और मेरे पापा भी नहीं है, और हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं और मेरी मम्मी है। तो तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? 5,000। चलो मैं तुम्हें कल 10,000 रुपए ला के दूंगा, ठीक है? उसमें से कुछ पैसे अपनी मम्मी को दे देना और कुछ पैसों से अपना एडमिशन करा ले, ठीक है? यार अम्मी, तुम किस मिट्टी के बने हुए? तुम मेरी हर वक्त मेरी हेल्प करते हो। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ, हर जन्म में आप ही मिलो। यार प्यार करा है, फर्ज तो निभाना पड़ेगा। बस मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे सब्जी की ठेली तक लगानी पड़े, बस तुमसे एक उम्मीद है, मुझे कभी धोखा मत देना। हाय मेरी चीकू, मन तो ऐसा कर रहा है तुझसे अभी शादी कर लूं। मन तो मेरा भी यही है, मुझ पर ना बस मुझ पर रहा नहीं चाहता, बस मुझसे तुम शादी कर लो। हेलो। हेलो, हाँ दीपक भाई, कहाँ हो? बता क्या हुआ? यार एक बहुत जरूरी काम था। अरे के बात होगी? बस एक बहुत जरूरी काम था, आ सकते हो क्या 2 मिनट के लिए? कहाँ है तू? मंदिर ना ये भोपुरा के पास। हाँ हाँ हाँ, यहीं पे था। चल ठीक है तो मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। यार अंजलि को भी साथ ले लूँ, यू ठीक रहेगा। आ जाओ। हाँ भाई बता, आज इतनी अर्जेंट कैसे बुला लिया तन्ने? कुछ दावत वावत दे रहा? यार ऐसा भी कोई दिन आए जो मैं तुम्हें दावत दे सकूं? मुझे एक हेल्प की जरूरत थी तुम्हारी, एक हेल्प कर दोगे? हेल्प? बता कैसी हेल्प चाह? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का ना एडमिशन कराना है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे हमने तो कभी अपने एडमिशन कराए ना, तू कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। दीपक भाई अब जो है बस वो ही है, हम दोनों अलग अलग थोड़ी ना है। अरे दे दो ना पैसे, दोस्ती तो है हमारा, वैसे भी तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना। अरे वाह, बात तो तू ठीक कह रही, दे दूंगा, करवा लिया उसका एडमिशन, पर नू बता देगा कदकू? भैया जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है, कितने चाहा? 10,000 रुपए चाहिए। बस एक काम करिए, सुबह घर आ जाइए, घर से पैसे ले लिए, और बता। बस यही बहुत है भैया मेरे लिए, ज्यादा चक्कर में मत पड़े कर। अच्छा तो हम चले, ठीक है भैया। अच्छा ठीक है, चलते हैं, अच्छे से एडमिशन करवाना उसका। आ गए तुम? आंखें बंद करो,
हाथ दिखाओ अपना। I love you so much. अमित तुम कितने अच्छे हो। और कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई दिक्कत हो सकती है क्या? अब सबसे पहले ना अपने स्कूल की फीस भरनी है, ठीक है? ठीक है। चलें। जब से मैं आया हूँ तुम यार बोल क्यों नहीं रही? मुझे लगता है तुम किसी बात पर परेशान हो। अमित, जितना तुमने मेरे लिए करा शायद ही कोई करे। पागल तो कैसी बात कर रही है, तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुझे क्या चाहिए मुझे बता, तेरे लिए मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। आज तक तुमने किसी चीज के लिए मना नहीं किया, मैंने जो बोला वही लाके दिया। तुम एक बात बताओ, तुम्हें आज क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मुझे कुछ बताओ तो सही। अमित, मुझे ट्रेनिंग पे बाहर जाना है। बस इतनी सी बात? अमित, अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई। बताओ क्या बात है। वो बताओ ना। मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए बताओ? 1,00,000। 1,00,000? कोई नहीं, आप नहीं कर सकते तो मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूंगी, आप परेशान मत हो। स्वाति, मैं कर लूं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मैं जिंदा हूं। अमित, कैसी बात कर रहे हो तुम? अमित, मैं पैसे इसलिए मांग रही हूँ, मेरी नौकरी लग जाएगी। तुम्हें तो पता है ना, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। जब मेरी नौकरी लग जाएगी फिर हम शादी कर लेंगे। तुम टेंशन मत लो, तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए कल तक जुगाड़ करवाता हूँ। अमित, तुम कितने अच्छे हो। ठीक है, ठीक है। वो ये बोलेंगे ये पटाखे लेके आया है। वो बैठे सामने। अरे अमित। हाँ भाई। ओहो, आज अंजलि तेरे साथ? हाँ, घर से ही ले आता, इनके घर पे गया था ना मैं आज। हाँ, जरूर कोई काम होगा, सिफारिश करवानी होगी, कुछ लगवानी है सिफारिश तो बता। के बात है भाई, मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है। 1,00,000? हाँ भाई। भाई, इतने पैसों का तो जुगाड़ में कर नहीं सकता, 10-5 हजार की बात हो तो मैं कर भी दूँ। भाई देख लो यार, मेरी गर्लफ्रेंड की नौकरी लग जाएगी, दे दो ना 1,00,000 रुपए। अरे 1,00,000 रुपए कहाँ से दे दूँ मैं इसे, इतनी बड़ी रकम हो। देख लो भाई, बस मैं तुमसे आखिरी बार हेल्प मांग रहा हूँ, बस उसकी नौकरी लग जाएगी फिर मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊंगा। वह तो बात तेरी सही है, पर तुम मुझे एक बात बता, नौकरी लगेगी उसकी लगेगी, तू क्यों पैसे दे रहा है उसे? भाई मैं उससे शादी करूंगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है हम दोनों अलग अलग थोड़ी ना हैं। देख भाई अमित, जितना तुझे उसके लिए करना था ना तूने बहुत कर लिया उसके लिए। पहले तने उसकी फीस में 10,000 रुपए दिए, तब भी मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। भाई 1,00,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हो, मेरी हैसियत नहीं है 1,00,000 रुपए देने की। भाई तो एक बार लास्ट बार हेल्प करवा दे, फिर सब ठीक हो जाएगा, स्वाति की नौकरी लग जाएगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। भाई मेरी बात सुन, वा ना करते तेरे से प्यार व्यार कुछ भी, और ना करेवा तेरे से शादी, तेरा बना रही पागल, तेर से ऐठना चारी वा रपे। भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, स्वाति ना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे चल छोड़ यार, लड़की के चक्कर में ना तू पूरा आसी खोल लिया। चल करूंगा तेरा इंतजाम कहीं से, दुआऊंगा तुझे पैसे। भाई बस तू लास्ट बार हेल्प करवा दे, फिर मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, ठीक है? और मैं नौकरी कर लूंगा और मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। सुन भाई, मेरे पास तो 1,00,000 रुपए है नहीं, पर चल मैं तुझे कहीं से दिलवा भी दूं, पर तू मुझे नू बता, तेरे पास तो नौकरी है नहीं, तू वे पैसे देगा कहाँ से? भाई बस मैं ये चाहता हूँ कि स्वाति की नौकरी लग जाए, मैं कुछ काम करके ना मैं सारे पैसे चुका दूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे पैसे दिलवा दूंगा, पर उसका ब्याज टाइम पे देता रहिए। बस भाई तुम पैसे करवा दो, मैं ब्याज ना सूद समेत दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। चल ठीक है, एक काम करिए, सुबह आ जाइए, तुझे पैसे दुआ दूंगा। ठीक है भैया। और सुन, इसे अंजलि को तो ले जा। ना ना, तुम बातचीत करते रहो, मेरे तो काम हो ही गया, तुम ले आना। वाह बेटे, काम हो तो ही भूल गया। और सुना डार्लिंग, क्या हाल है तेरे? बस बढ़िया। लगवा दिया चुन्ना 1,00,000 का? और
तो क्या हो गया, दोस्ती तो है हमारा और वैसे भी किसी का भला ही कर रहा है। अरे यू भी लड़की के चक्कर में पागल ही हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी तो पागल रहते हो। पहली बारी में दालिया लूट बावली, तेरा मेरा प्यार यो टूट बावली। ओ गोरी गोरी गाल घने क्यूट बावली, जनू ताजा ताजा तोड़ा हो फरूट बावली। ओ तन्ने पहली बारी में मैंने सारे पैसे रखवा दिए बैग में, और सोना मत, ध्यान से रहना ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, फोन कर देना। अच्छा लगे से तेरा रूसना मनाना, मेरा टैम पे नहीं आना, तेरा देना वो उलाना मन्ने अच्छा लगे से। आ जाओ जी आ जाओ, आलू 10 रुपए किलो है। भैया मूली कैसे दी है? 20 रुपए किलो। चल कर दे तो 1 किलो। प्याज बढ़िया ना एकदम? बढ़िया एकदम। मोटी मोटी करियो। आ जा भाई अमित। लो यार, तो मुझे एक बात बता, तू ये 2-2, 3-3 हजार रुपए ये कब तक देगा तू मुझे? कब तक होगा तेरा यू ब्याज पूरा? तुझे मैंने खूब समझाया था, मगर उसके चक्कर में मत ना पड़े। आया फोन फान उसका कुछ? फोन तो भैया आया नहीं, 1 महीना हो गया, जब भी फोन करता हूँ उठाते ही नहीं है फोन। भाई तुझे खूब समझाया, जब तो तन्ना मारी एक ना माननी, जब तो तू भी उसका खाने का ले, पीने का ले, उसका नहाने का ले, उसकी फीस भी ले, हैं? जब तो तन्ना मारी एक ना सुनी। तेरे चक्कर में हम और बर्बाद हो लिए। कोई बात नहीं भैया, जो मेरी किस्मत में था ना वही हुआ। चलता हूँ भैया मैं। जाने वाले रुक जाना क्या जल्दी, जाने की ये आखिरी मुलाकात है ना लौट के आने की। ओ जाने वाले रुक जाना क्या जल्दी, जाने की ये आखिरी मुलाकात है ना लौट के आने की। तुम कहीं कल होंगे हम कहीं, बातें ये तेरी मेरी होंगी ये गुम कहीं। कल होंगे तुम कहीं कल होंगे हम कहीं, बातें ये तेरी मेरी होंगी ये गुम कहीं। भूल जाना बात भी हमें फिर से पाने की, ओ जाने वाले रुक जाना क्या जल्दी, जाने की ये
ये आखिरी मुलाकात है ना लौट के आने की।